नाज़रीन आदाब, उर्दू नामे के आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं, उर्दू नामे के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं उर्दू सहाफ़त के हवाले से। आज हमने एक मेहमान को अपने स्टूडियो में मधु किया है। मेरी मुराद है जनाब एम ए माजिद साहब की। एम ए माजिद साहब न सिर्फ सीनियर सहाफ़ी हैं, बल्कि आपका जो तारुफ है शायद वो दो सत्रों में उसका अहाता मुमकिन नहीं। आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रुकन भी हैं और सहाफ़त के, यूँ समझ लीजिए बरखी सहाफ़त हो या बरखी सहाफ़त, मुख्तलिफ हैसियतों में काफ़ी तवील आपका तजुर्बा है। माजिद साहब ने अपने मसरूफियात के बावजूद हमारे इस एपिसोड के रिकॉर्डिंग के लिए वक्त निकाला है, उसके लिए हम माजिद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बेहद शुक्रिया माजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, उर्दू सहाफ़त अपने आगाज़ के 200 बरस मुकम्मल कर रही है। इसी 200 बरस का जो सफ़र है, उस सफ़र में कई एक, या यूँ कह लीजिए कि बेशुमार सहाफ़ियों ने साथ निभाया है। आज स्टूडियो में जिन शख्सियत के साथ हम बात करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले चाहेंगे कि माजिद साहब का जो इब्तदाई सफ़र रहा उर्दू सहाफ़त से आप जुड़े रहे, तो चाहेंगे कि उस ज़माने में, चूँकि असल हमारी बातचीत का जो मौजू है वो किताबत से कंप्यूटर तक है, तो ये काफ़ी तवील सफ़र है। हम चाहेंगे माजिद साहब के नुक्ते नज़र से इस सफ़र को देखें। तो आपसे यही सवाल है कि आप अपने उस दौर के मुताबिक बताइए जब उर्दू सहाफ़त में आपने शुरुआत की थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, 200 साल तारीख उर्दू सहाफ़त की एक बड़ी तवील है, और हर सहाफ़ी का, हर उर्दू जानने वाले का कहीं ना कहीं इसमें रोल रहा है, सहाफ़ी की हैसियत से, खारी की हैसियत से, या जहदकार की हैसियत से। मेरी सहाफ़त की ज़िंदगी मुख्तसर है। इस 200 साल में शायद 30-35 बरस मैंने बिताए हैं। दरअसल देखिए, आपने जो मौजू दिया है किताबत और कंप्यूटर, किताबत और कंप्यूटर का जहाँ तक मामला है, मैं समझता हूँ कि ये एक दूसरे से मरबूत है, लेकिन ये एक बड़ी इनकलाबी तब्दीली भी है। देखिए, शायद 83-84 जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में एन टी रामाराव इख्तदार में आ रहे थे, और शायद उसी से मेरी पहली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेरी जो है शुरुआत हुई। मैं दरअसल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक इदारा होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसमें वाबस्तगी रही, और वहाँ मेरा जो तारुफ हुआ मुख्तलिफ अखबारों और नुमाइंदों के साथ हुआ, और उस वक्त रोज़नामा सियासत बड़े बामे उरूज पर अभी भी है, इसमें कुछ नहीं, क्योंकि वह अभी 75 साल उन्होंने मुकम्मल किए। इस तरीके से फिर हमारी कोशिशें कुछ रहीं, हम सिविल सर्विस के लिए भी गए, लेकिन वहाँ जो है शायद इब्तिदा से जो मेलान जो हमारा जो रुझान था वो अखबारात के ज़रिए रहा था काफ़ी जो है, शायद वही मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया सहाफ़त के हिस्से से। तो उसके बाद हमने देखिए, हैदराबाद में एक बड़ा कल्चर था पहले, अब ख़त्म हो गया, न्यूज़ खबर उर्दू न्यूज़ एजेंसियों का जी, कई एजेंसियाँ थी। तो पीआईबी में रहते हुए उर्दू न्यूज़ एजेंसी के लिए भी शाम का वक्त होता था तो वक्त निकाला करता था। एक मरतबा ऐसे हुआ कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन, अली सरदार जाफरी और आबिद हुसैन, इनका एक जलसा था। उस एक एजेंसी के ज़रिए मैंने उस जलसे की रिपोर्टिंग की, तो सियासत के आखिरी सफ़े पे इतना बेहतरीन आया, बड़ा खुश हुआ मैं, अरे भले सियासत जैसे अखबार में इतनी सारी रिपोर्टिंग हुई। तो जो हमारे मोहसिन थे बेचारे, आरिफुद्दीन सलीम एजेंसी के थे, वो बहुत खुश हुए और गले लगाए वो। और उसके बाद बात आई गई हुई, कुछ दिन के बाद कहने लगे कि आप इसकी जो है रिपोर्ट असर बनाइए। मैंने खाली जो है पॉइंट्स नोट किए, और मैंने रिपोर्टिंग की बस, उससे हट के मेरे पास, मैं कैसे बनाऊँ लोगों की तकारीर पूरी, नहीं नहीं आप बनाइए, जिगर साहब जो सियासत के जॉइंट एडिटर थे उनका है, संडे में इसका आर्टिकल देना है। तो बोला ठीक है, मैं थोड़ा सा कोशिश तो ज़रूर करूँगा। तो खुदा का फजल ये हुआ कि मैं जब वो अपनी स्क्रिप्ट, जो पॉइंट्स की स्क्रिप्ट थी, देखा तो बोला उसमें से बहुत सी चीज़ें निकल सकती, जहन में महफूज थी, तो वो आर्टिकल की शक्ल में, तो सियासत के पहले पेज पे आ गया वो, संडे के दिन नाम के साथ आया। और उस वक्त वो मेरे नाम की इब्तदा भी बड़ी अजीब हुई, एम ए माजिद की बजाय माजिद अली खान। और जब तक हमारे जिगर साहब की ज़िंदगी तक मैंने कभी तब्दील नहीं किया, वही नाम से आया। अच्छा, तो कुछ लोग तंज भी करते थे, ये कब से हो गए,
ماجد علی خان سیاست پہ جا کر دوں. تو یہ ہوا اس سفر. اس کے بعد یہ ہوا کہ اتنا نام کے ساتھ پہلے پیج پہ جب سنڈے میں آیا تو سلیم صاحب جو ہے بڑے خوش ہوئے کہ بھائی تم نے تو بڑا کمال کر دیا. میرا کچھ نہیں میں نے سیکھ کیا. اس کے دو دن کے بعد جگر صاحب کا خط ایسی بہت مشکل سے پڑھا جاتا تھا جی. اس کے ساتھ 30 روپے آپ کے. تو میں سمجھتا ہوں 86 87 کی بات ہے. تو میں جو بڑا خوش ہوا یہ 30 روپے کا انعام بھی ملا میرے کو بول کے. اس کے بعد سے جو ہے مجھے بھیجنے کے لیے کہا کہ تم کو بلا رہے ہیں. بولا نہیں میں نہیں جاتا, میں ان کے بارے میں سنا ہوں, وہاں آزادی نہیں ہے کام کرنے کی, میں نہیں کروں گا. ایسے ایک دو مہینے ایسے گزر گئے, بہت پریشر آ رہا تھا. تو پھر لوگوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ خود اپنی طرف سے جا کے بولو, میں نہیں کروں گا کام. تو گیا میں جگر صاحب کے پاس, کیوں میں آپ اتنے دن سے میں آپ کو بول رہا ہوں آنے کے لیے, نہیں آپ کے بارے میں یہ سنا میں یہ چیزیں سنی. تو نہیں آپ تھوڑا کم کر کے کام کر کے دیکھیے. تو بولا ٹھیک ہے ڈیسک پہ بیٹھنے کے لیے کہا. میں نے کہا ڈیسک پہ میں نہیں بیٹھتا, میں ایک رپورٹنگ کا آدمی ہوں. نہیں آپ بیٹھیے آپ کو تجربہ ہوگا. ایک 15 دن بٹھایا, اس کے بعد آزادی دی میرے کو. اور اتفاق کے بعد اتنی آزادی دی شاید میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک 75 سال میں شاید کسی کو نہیں ملی. اس لیے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک رات کا رپورٹر جبار صدیقی رہتے تھے, دن میں جہاندار افسر بس بیرو نہیں ہوتا تھا. چونکہ میرا تعلق تیلگو کے زیادہ لوگوں سے تھا, تیلگو سے کافی میل ملاپ تھا, تو وہاں ان کے دفتروں میں جاتا تھا بیٹھتا تھا. تو وہاں جو ہے بیرو کام کرتا تھا ایک رات. تو میں عابد علی خان صاحب کو جگر صاحب کو بتایا کہ صاحب ایک بیرو بنائیں گے. کہا کہ ٹھیک ہے تم دیجیے. اس کے بعد بتایا کہ دیکھیے بیرو ہیڈ ہوتا ہے, اس کے ساتھ یہ ایک کرائم کا رپورٹر, اسپورٹس کا رپورٹر, کلچرل رپورٹر, پولیٹیکل رپورٹر. پولیٹیکل رپورٹنگ نہیں آتی تھی پہلے, اردو اخبارات میں بہت کم ہوتی تھی. پوری آزادی دی انہوں نے, حتیٰ کہ میری جو ہے غیر اردو داں ایک لیڈی رپورٹر کو جب میرے ساتھ رہتی تھی وہ ایجنسی میں, اس کو لگا تھا ٹھیک ہے اس کو بھی ریکمینڈ کیے گئے. کئی ڈک سے ایک صاحب تھے ان کو لیے. اس طریقے سے ایک 7 ممبروں کا ایک بیرو بنا, بڑا اچھا لگا. اور آپ کو یاد ہوگا 89 کے الیکشن ہوئے, چندا ریڈی موومنٹ چلا رہے تھے, کافی رپورٹنگ ہوئی. الیکشن کے بعد ہم نے ایک پہلی مرتبہ سیاست نے ایک پریڈکشن دیا تھا کہ این ٹی راما راؤ اس وقت چیف منسٹر تھے, یہ ان کو شکست ہوگی, تیلگو دیشم کو کانگریس آئے گی. بڑا رسک فیکٹر تھا چونکہ مجھے جو ان پٹس تیلگو کے ساتھ ملتا تھا اس کے ساتھ ہم لوگ بھی کام کرتے تھے, اور گاؤں گاؤں جاتے تھے, این ٹی راما راؤ کے ساتھ جاتے تھے, چندا ریڈی کے ساتھ جاتے تھے. تو اس سے ہم کو ایک پلس معلوم ہو گیا. تو مجھے رسک فیکٹر تو رہتا, غلط بھی ہو سکتی, لیکن جگر صاحب جو ہے باوجود اس کے کہ وہ ریزرویشن تھے ان کو, کچھ ہو گیا تو ہماری سیاست کی عزت ہو جائے گی. پھر پیسہ نہیں کہ جب کام کو دیکھ کر پہلی بار میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی خبروں میں پریڈکشن 89 کے الیکشن میں دیا اور صحیح ثابت ہوا. اس سے ہم کو اور بوسٹ ملا, میرے کو بہت کام کرنے کا موقع ملا, اچھا لگا. آپ جیسا بتا رہے تھے کہ کتابت کی بات ہے, اور آپ دیکھیے کتابت میں ضرور بہت سی جو ہے فوائد بھی ہیں. اب آپ کو دیں گے بہت سی چیزیں کتابت نہ ہونے سے غائب ہو گئی. چھپتے وقت بلکہ کہتا تھا جی, چونکہ کتابت میں دیر لگتی تھی, لاسٹ مومنٹ کی خبریں آتی تھیں, لاسٹ مومنٹ کی خبریں آتی تھیں. چھپتے وقت ایک گھڑی لگا کر چھوٹا سا کالم, تو چھپتے وقت یہ خبر آئی, بالکل مختصر رہتی تھی, حالانکہ بڑی خبر بھی ڈیولپ ہوتی تھی. وہ چیز چلے گئی. دوسرا ریزلٹس آتے تھے, 10ویں جماعت کے, انٹرمیڈیٹ کے, ڈگری کے, یا دوسرے کورسز کے ریزلٹ آتے تھے. تو اس میں امبارگو بول کے لکھتے تھے ریزلٹ دیتے وقت, ہمارے وہ پریس کو دے دیتے تھے, پبلک کو نہیں دے دیتے تھے کہ فلاں دن یا 3 دن کے بعد چھانا. چونکہ اس میں جو ہے کتابت کا جو معاملہ ہوتا تھا, کتابت وقت دیتا تھا لکھنے کے لیے. آج کل کمپیوٹرائز میں سیکنڈس میں آپ جو ہے ریزلٹ آ جانا, اب تو خیر. اور آپ دیکھیے کہ ریزلٹ کے لیے ہم خاص زمین میں نکالتے تھے, اور یعنی میڈیا کے دفتروں میں, اخباروں کے دفتروں کے سامنے ہجوم رہتا تھا ریزلٹ کے لیے. ریزلٹ کے لیے لوگ آن لائن نہیں دیکھتے تھے پہلے, آن لائن کا تھا بھی نہیں. تو وہ جو چیزیں تھیں وہ مسنگ کرتی. اور ایک جو چیز تھی, ایک اچھا کاتب ایک اچھا سب ایڈیٹر سے زیادہ اچھا ہوتا تھا, جونیئر سب ایڈیٹر سے زیادہ اچھا ہوتا تھا. سرخیاں کیسے بنانا اس کو بھی گندا تھا ہو جاتا تھا, کون سی چیز کو کس طریقے سے کرنا. تو یہ ایک بڑی چیز ہوتی تھی. اور ایک چیز جو ہوئی کہ ہم چونکہ میں یونین میں بھی کافی ایکٹیو کام کرتا ہوں, تھوڑا بہت خدمت کرتا ہوں, تو پہلے کاتب کو جرنلسٹ کی کیٹیگری میں نہیں رکھتے. کاتب یہ کاتب جو ہے بھائی, جرنلسٹ تو رپورٹر ہوتا ہے یا سب ایڈیٹر ہوتا ہے یا دیگر میڈیا کے جو رہے, اس کا کیا کام ہے. لیکن ایک موومنٹ چلائے ہم, موومنٹ چلانے کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا کے گزٹ میں یہ لگائے کہ کاتب آلسو از اے جرنلسٹ.
उसके कई बेनिफिट मिले। अब जो हाउसिंग के मामले होते हैं वगैरह होते हैं, जितने भी ये मेडिकल के मामला होते हैं, इसमें कातिब आल्सो जर्नलिस्ट की कैटेगरी के जरिए बेनिफिट हासिल करता। अच्छा मजी साहब, यहाँ पर सवाल ये उठता कि आप जैसा बताए कातिब लिखने के लिए वक्त लगता था, तो उस दौर में खबरें जैसे शहर की खबरें हो तो उसकी लिमिट क्या थी, कब तक वो दी जा सकती थी? हाँ, और फिर कंप्यूटर आने के बाद डेडलाइन, कंप्यूटर आने के बाद क्या उसमें एक चीज, एक खैर मैं तो किताबत की जो खुशनवेसी होती थी वो एक कला अब इस वक्त कम होती जा रही है, एक फन है वो। अभी डेडलाइन की तरफ मैं आऊंगा जरूर, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि हम कभी भी टेक्नोलॉजी से मुखालिफत नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी को अपने लिहाज से अपनाने की जरूरत है। इसलिए कि मुझे याद है 91 में ये कंप्यूटराइज जब इंट्रोड्यूस हो गया था, कातिबीन को कहा कि आप इसकी ट्रेनिंग ले लें या फिर आप छुट्टी कर लें, आपको ले ऑफ कर देंगे, आपके जो भी बेनिफिट दे देंगे। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, जो खदीम लोग रहते थे जो रहते जिसको जो अबव 50-60 जो जिनका एक काम था, वो लोग बेरोजगार हो गए। हम उनके ताइद में मुहिम चलाए, क्योंकि जब उस वक्त बैंकों में भी कंप्यूटर आ गया था, बैंक वाले भी जो है मुहिम चला देते कंप्यूटराइज से जो है अमला कम हो जाएगा, लेकिन मेरा जो तजुर्बा हुआ कंप्यूटर आने से रोजगार और बढ़ गया। अच्छा ठीक है, ये कला थोड़ी सी पीछे हो गई, ये कला की अपनी अपनी अहमियत जरूर है, लेकिन हम कभी भी टेक्नोलॉजी को मुखालिफत करके हम खदमत पसंदी पीछे की तरफ नहीं जा सकते। हमको जो टेक्नोलॉजी आ रही उसके साथ हमको ट्यून करनी होगी। तो ये चीज़ है। अब रही बात डेडलाइन की, डेडलाइन में ये होती थी कि जो आम खबरें सियासी या आम नोयत की खबरें होती 8:30 या 9 के दरमियान हमको डेडलाइन ख़त्म है। क्राइम का जहाँ तक है 10 बजे, उसके बाद क्राइम का जो है उस बहुत कुछ हो गया तो वो छपते वक्त में 1-2 लाइन दे देते थे। ये चीज़ होती थी। अच्छा देखिए, किताबत के ज़माने में उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, खुशखती से लिखा जाता था, कंप्यूटर आ गया तो अब यहाँ पर चूंकि तखाबुल हो रहा है, तो उस वक्त ज़्यादा प्रूफ रीडिंग की अहमियत थी या अब ज़्यादा, मतलब गलतियों के हवाले से अगर हम देखें, ज़बान बयान के हवाले से, कि आप बता रहे हैं कि कातिब इस काबिल भी होता था, वो मशवरा देता था रिपोर्टर को या सब एडिटर को, तजवीज़ करता था वो, और अब उसकी जगह कंप्यूटर ने ले ली है, तो ये गलतियाँ जो हैं हम बतौर खारी जब देखते हैं तो नज़र आती हैं हमें। देखिए इसमें बड़ी अच्छी नुकता है, खासकर प्रूफ रीडिंग का। ये किताबत के बाद प्रूफ होता था, और आमतौर पर बाज़ अखबारों में प्रूफ रीडर अलग होता था या बाज़ अखबारों में सब सबेटर प्रूफिंग कर लेते थे, ठीक है ये वो एक सब्जेक्ट अलग है, लेकिन इसमें निखार होता था, गलतियों को रोका जाता था। लेकिन आज देख रहा हूँ मैं सब एडिटर भी कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, सब एडिटर ही प्रूफ रीडर हो गया, तो उसमें गलतियाँ हो जा रही हैं और इसको कोई चेक करने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक ही आदमी सब गया, वहाँ 3 आदमी होते थे पहले, कातिब, सब प्रूफ रीडर और सब एडिटर, ये 3 होते थे। उसकी वजह से वो किताबत के दौर में गलतियाँ कम होती थी, आज मैं देख रहा हूँ कि गलतियाँ धड़ल्ले से हो रही हैं। एक तो ये कि शायद जो उर्दू की जो नॉलेज है, कई वक्त ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, बाद वक्त मिला के जुमले आ जाते हैं, इसकी वजह से उसका सेंस बदल जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर जो वाकई जो सब एडिटर को 3 काम दिए जा रहे हैं, अब देखिए उसकी वजह से काफ़ी जो है इंतज़ामिया को सहूलत भी हो गई, 2 आदमी का काम 3 आदमी का काम एक ही आदमी कर रहा है। तो ये अब जो कंप्यूटर में जो हो रहा है उसकी प्रूफ रीडिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि उस पर लोड रहता है, उन्हें खबर की जो भी है एडिटिंग करे, खबर को भी खुद जो है DDP करे, उसकी टाइपिंग करे, फिर खबर को ही चेक करके वो करे। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ में एक तरीक़ेकार निकालने की ज़रूरत है, ताकि गलतियाँ जो है जो कंप्यूटर में गलतियाँ हो रही हैं, कंप्यूटर खुद से गलती नहीं कर रहा, आदमी जो रहता की देने वाला उन्हें गलती कर रहा है, इस पर कोई चेक करने वाला नहीं। और एक बात जो है, जो चीफ सब एडिटर होता था, अब चीफ सब एडिटर का कॉन्सेप्ट शायद अब उर्दू अखबारों में है नहीं मालूम मुझे, लेकिन दूसरे अखबारों में तो है। आप देखिए तेलुगु में हो, अंग्रेजी अखबार में, हिंदी में हो, चीफ सब एडिटर होता है, वो बराबर चेक करता है कि कोई चीज़ इसमें छोटी या गलती होगी, उसकी जो है ज़्यादा होता है। सवाल यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ज़बान और बयान के हवाले से, देखिए खारी बहसे तो खारी अगर मैं बात करूँ तो मैं 6-7 रुपये दे के अखबार खरीद रहा हूँ, तो मेरे लिए ये माने नहीं रखता कि वहाँ पर क्या हो रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर गलतियाँ मुझे आ रही हैं, नंबर एक। नंबर दूसरी शिकायत जो आमतौर पर उर्दू सहाफत से की जाती है कि टेक्नोलॉजी आने के बावजूद भी खबर रसानी में जो उजलत या जिस तरीके से तेज़ी दीगर जबानों के अखबार दिखाते हैं, उर्दू इस मामले में पीछे है।
ये बिल्कुल आपकी बात सही है। यकीनन हमने 200 साल का सफ़र तय किया। ऐसा दिखता है कि इस 200 साल में उर्दू सहाफ़त थक गई है, एक रुझान है, मगर गलत है। वजह सही है, उर्दू के साथ जो कुछ मामलात हो रहे हैं उर्दू, लेकिन इसके लिए उर्दू वाले भी तो कसूरवार हैं। और आप देखिए दीगर ज़बानों में जिस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होती, आप बताइए कि उर्दू अखबारात में सलीक़े की लाइब्रेरी है, सलीक़े की डिक्शनरी है, सलीक़े का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। मुझे याद है 90s में ये अडवाणी की रथ यात्रा का, उसके बाद बहुत से नए नए नाम आने लगे, वो संस्कृताइज नाम वगैरह या फिर दीगर नाम या बस ऐसे अंग्रेज़ी नाम जिसका तर्जमा करना मुश्किल होता था। तो सियासत में एक नोटिस बोर्ड होती थी, आप भी वहाँ देख रहे हैं, उसमें ये लफ्ज़ को इस तरीके से लिखा जाए, इस लफ्ज़ को ये माने होते हैं, तो एक शेड्यूल दिया जाता था। अब आप देखिए एक नया लफ्ज़ कोई आ जाता है, हर अखबार उसके अलग लिहाज से तर्जुमा करता है, यानी इंसानियत नहीं है इसमें। खारी क्या महसूस करेगा? खारी जैसा आप कहें कि वो तो एंड प्रोडक्ट देखता हूँ, मुझे क्या चीज़ मिल रही, उन्हें बोला ये अखबार में इसके मान ये चीज़ की ये चीज़ लिखी गई है, ये अखबार में ये चीज़ लिखी गई है। जो इंसानियत होनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये इसका फुकदान है। और यही वजह है कि उर्दू सहाफ़त से खुद उर्दू वाले क्यों जो है किनारा कशी ज़्यादा अख्तियार कर रहे हैं, कि दूसरे ज़राए से तो उनको खबरें मिल रही हैं। अब रही उर्दू में तस्किन की, देखिए उर्दू का एक मामला है, और एक बात में एक पता नहीं सब्जेक्ट से ताल्लुक है नहीं है, उर्दू सहाफ़त से या उर्दू अखबारात से या उर्दू के मामले से आम उर्दूदान की दूरी समाजी बेकायदियों का सबब बन रही है। जो उर्दू अखबार उर्दू माहौल में, उर्दू समाज में, उर्दू माशरे में जो मैसेज देना चाहते हैं उससे दूर होते गए। कई ऐसे लोग हैं, नौजवान लड़के लड़कियां बहुत ब्रिलियंट हैं, तालीम में अच्छा कैरियर है, लेकिन बेसिकली अपने माशरे से वो दूर होते जा रहे हैं और कई बेकायदियाँ पैदा होती जा रही हैं, हत्ता कि खुद अपना नाम उर्दू में नहीं लिख सकते। अगर मैं कुछ कहा वनसाट ये क्या होता पूछते। तो ये जो चीज़ है, ये देखिए कोई भी अपनी मादरी जबान से दूर होकर जो है आगे अपने माशरे की तरक्की नहीं कर सकता, अपनी मादी तरक्की तो कर लेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं 200 साल के मौके पर, अभी हमारी कोशिश कुछ दिनों की वजह से नहीं हो पाई, कि हम लोगों में जाकर ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप उर्दू अखबार घर पे लें, उस कम अज़ कम जुमे का इतवार का एक तो उनको नॉलेज हो सके ये क्या चीज़ हो रही है। ठीक है आप अंग्रेज़ी अखबार या इलाकई अखबार का अखबार पढ़ते होंगे, पढ़ेंगे। और एक ये चीज़ होती है, मैं सुबह सुबह एक प्रोग्राम को जाता हूँ, सुबह अपने स्टूडियो में मुख्तलिफ हाकर से भी विश करते जाता हूँ, तो कभी कोई अब हाकर नहीं दिखता है कुछ दिन तक, तो उसको पूछता हूँ आप नहीं दिख रहे हैं सब, गली में दो लोग थे, इंतकाल हो गया, लाइन बंद हो गई मेरी। बोला ये देखिए हम लोग, हालांकि वो गली में और भी मकानात आ गए और अपार्टमेंट्स आ गए मकानात की जगह, लोग आबादी बढ़ गई उर्दूदा वालों की, लेकिन अखबार का फुकदान हो गया। ये अखबार की जो कमी है, ठीक है अखबार 7 रुपये हो या 10 रुपये हो कुछ भी हो, ये कोई आज के दौर में कोई माने नहीं रखता, लेकिन घर में अखबार होने से घर और ख़ासकर जो है समाज की जो कलीद होती है वो हमारी ख़वातीन होती है, वो कम अज़ कम वो जो है एम्पावर हो अखबार पढ़कर, उनको नॉलेज हो दुनिया में क्या हो रहा है, उनको मालूम होना चाहिए समाज में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो उर्दू अखबार से जो दूरी है उर्दूदा तबके की, मैं समझता हूँ कि ये एक आगे चल कर एक ये समाजी बहरान पैदा कर सकती है। मानी साहब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस दूरी को पाटने के लिए, जैसे वालिदैन और सरपरस्तों की भी जिम्मेदारी है अपनी औलाद और अपने घर की तरबियत के लिए तवज्जो दें, दूसरा खुद अखबारात को भी कुछ क्या इसमें कुछ अपना हिस्सा बांटना चाहिए? अब देखिए यकीनन इसमें अखबारात का कमर्शियल पहलू भी है, ज़रूरी है। हमने कुछ दिन पहले एक बड़ी तकरीब की थी, मतलब छोटी तकरीब की थी 200 साल के इवेंट के लिए, अखबार के एडिटर साहब को बुलाया था हमने, फिर एक सियासतदान भी आए थे, अच्छी तकरीब रही। उस वक्त हम उनको ये बात कन्विंस करें कि देखिए हमारी एक तंजीम है उर्दू से मुतालिक, उर्दू सहाफ़ियों से मुतालिक है, हम एक हर यानी उर्दू अखबार बीनी के लिए हम सुबह उठकर एक मुहिम चला रहेंगे, हफ्ते में एक या दो दिन जैसा भी इतवार के दिन महल्ले की किसी मस्जिद में या हमारे कम्युनिटी सेंटर में या जहाँ आबादी है वहाँ जाएंगे, और ये कहेंगे कि चाहे कोई उर्दू अखबार ले, एक कोई ज़रूर अखबार ख़रीदें, ये मुहिम चलाने वाले हैं। लेकिन कुछ दिनों से खालिया दिनों में शहर में बारिश और दीगर मामला थे, फिर हमारे कुछ साथी बीमार भी हो गए थे, हम नहीं कर पाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द
यानी शायद हम 15 बीनी या 1 महीने के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम वो अखबार बीनी की मुहिम शुरू करें कि अखबार खरीदें। अखबार खरीदने के लिए हमारे पास लोगों को समझाने के लिए, उनके शऊर की बेदारी के लिए कई पॉइंट्स हैं। इसमें यह है कि अखबार से दूरी की वजह से आप माशरे की जो तहजीबी आपकी इकाई है, आपकी जो शिनाख्त है, उससे दूर होते जा रहे हैं और समाज में जो बेकायदियाँ और जो भी चीज़ें पैदा हो रही हैं, जो जो पसंद नहीं की जाती, नुक्स जो पैदा हो रहा है, वो अखबार के ना होने से पैदा हो रहा है। और अखबार आपके माशरे का, आपकी मादरी ज़बान का एक हिस्सा है। इसको जब तक अगर आप मादरी ज़बान से प्यार नहीं करेंगे, इस तरीके से ऐसा ही होगा कि माँ से दूरी की बात होगी। जी, यानी जो सहाफ़ी हैं वो भी इस जानिब तवज्जो दिला रहे हैं कि सहाफ़त समाजी इसलाह के लिए भी काम करती रही है और उर्दू सहाफ़त से जो खारी नई नस्ल का रिश्ता टूट रहा है वो कहीं ना कहीं बिगाड़ का भी सबब बन रहा है। माजी साहब, यहाँ पर एक सवाल आता है कि जब हम ज़माने तालिबे इल्म में उर्दू अखबार पढ़ा करते थे तो उसमें हम हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले हर त्यौहार के मुतालिक पढ़ा करते थे और उसमें हम हिंदुस्तान में रहने वाले हर तबके से ताल्लुक़ होता था उन लोगों का जो अखबार के लिए मज़ामीन लिखते थे या सप्लीमेंट लिखते थे। क्या आज की जो उर्दू सहाफ़त है या आज का जो उर्दू का अखबार है वो सिर्फ मुस्लिम कम्यूनिटी का अखबार बन गया? ये बहुत बहुत ही आपने बड़ा हसास सवाल पूछा है। आप भी एक अरसे तक सियासत से वाबस्ता रहे। मुझे याद है कि तवील अरसे तक होली, दशहरा, दिवाली, संक्रांति हर मौजू पर सियासत में बराबर जो है मज़ामीन छापे जाते थे, उसकी अहमियत को बताया जाता था कि क्या चीज़ है। उसके बाद उर्दू अखबार का इस्लामीकरण हो गया, ये बात मुनासिब नहीं, अच्छी बात नहीं। मैं जहाँ जहाँ जिन अखबार में भी रहा, हालांकि हालिया अखबार में जब मेरा जो प्रिंट का जो सफ़र हालिया दिनों में जहाँ शाम को हुआ, वहाँ भी मैंने यही कोशिश की और मैं मेरे साथ हर अखबार में मेरे गैर मुस्लिम साथी रहे, गैर उर्दूदान साथी रहे, मैं उनका साथ रखता था, उनको जिम्मेदारियाँ देता था और ये बताता था। देखिए, ज़बान किसी की मीरास नहीं है, लेकिन बड़ा अफसोस है कि मुसलमानों ने उसको अपनी मीरास समझ लिया और मीरास समझा लेकिन उसके साथ इंसाफ ही नहीं किया, मीरास को धुतकार दिया, आग कर दिया उसको, एक मानो ये मुनासिब नहीं है। बल्कि देखिए, इससे रोशनी फैलती है। मुझे याद है आज भी सियासत के जो मजामीन हैं, कई ऐसे हिंदू लिखने वाले लोग हैं जो तहजीब के बारे में, और आप देखिए धर्म हो या दीन हो, अरे माशरे में अच्छाई की दावत देता है, आपको लड़ाई की दावत नहीं देता। आज खिखारत का, नफरत का जो माहौल है, उसमें हम कहाँ फिट हो रहे हैं, किस हद तक हम जो है मुल्क को, तबकात को, माशरे को जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो आप देखिए, पहले दिवाली में मेरे पास काफ़ी गिफ्ट्स और मिठाइयाँ आती थी, वो कम हो गई। अच्छा, सिर्फ मैसेजेस के ज़रिए ताल्लुकात बन गए, ये अच्छी बात नहीं है। मैं घरों को जाता था दशहरा और ख़ासकर वो उगादी के मौके पर पंचड़ी, वो पचड़ी तेलुगु, वो बड़ा घर पे बुलाते थे और खट्टा खट्टा अच्छा लगता था मुझे। तो वो जो चीज़ की जो है जो पर्सनल टच होती है, पर्सनल टच आपको मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर नहीं दे सकता। और वही वजह है कि आप बोल रहे थे ऑनलाइन भी आप आ सकते हैं, तो बोला नहीं, मैं जो है आपके साथ स्टूडियो में आऊँगा। अच्छा माजी साहब, सवाल ये उठता कि क्या समाज में हमारे इस तरह से तकसीम बड़ी है मुख्तलिफ मजाहब के मानने वालों के दरमियान के उर्दू अखबार उसकी तर्जमानी कर रही, या फिर उर्दू अखबार ने इस तरीके से सेट किया है कि भाई समाज में वो तकसीम हो रही है? यहाँ देखिए, उर्दू अखबार में जो भी है, खैर मुझे तो नहीं कहना चाहिए, मैं तो एक छोटा सा तालिबे इल्म हूँ। नहीं, तारीख देखिए, पहला अखबार जो शुरू करने वाले लोग हैं वो मुसलमान थे। इवन देखिए आप, मैं समझता हूँ कि 60s तक भी, अभी भी देखिए दिल्ली में जफर शाह रोड पर उर्दू के अखबारों की एक, खैर अखबार छप रहा नहीं छप रहा वो सवाल अलग है, लेकिन यही लोगों ने उर्दू को उठाया। तकरीबन 150 साल तक यही लोग थे उर्दू। अब आप देखिए, मेरे कई सिख दोस्त हैं, वो बोलते हैं, मेरे कई हिंदू दोस्त हैं, अरे नहीं, हमारे वालिद मेरे को लाके बताते हैं उनकी चीज़ें। एक साहब बड़े मशहूर आदमी हैं यहाँ के, आप भी जानते हैं, डी अमर जी, उनके वालिद जो है ना सिर्फ उर्दू था बल्कि उर्दू में शायरी करते थे, वो दीवान ला के बताए, अरे भाई मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ, आप ज़रा कुछ किसको इसका तर्जुमा करके दीजिए। ऐसी कई चीज़ें, वजह क्या है ये, खैर इसमें उर्दू वाले भी कसूरवार हैं, हुकूमत वक्त भी कसूरवार है, क्योंकि उर्दू के साथ जो कुछ इम्तियाज़ बरता गया उसकी एक वजह है।
लेकिन देखिए जहाँ तक मेल मिलाप का सवाल है, मुसलमानों ने तो उसको कबूल कर लिया। अब आता ये जो भी 15% 20% जो भी मुसलमान है उसमें कितने लोगों की मादरी जबान उर्दू है। अब मैं तमिलनाडु जाता हूँ, तमिलनाडु में बहुत कम उर्दू दाम अपने आप मादरी जबान करते हैं, लेकिन तकरीबन लोग तमिल मादरी जबान है। केरला में तकरीबन लोगों की मलयालम जबान है, उर्दू शायद कोई बोलता हूँ। वेस्ट बंगाल में सिर्फ चंद लोगों की, शायद 4 या 5% मुसलमानों की उर्दू जबान। इस तरीके से तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इसको कम्युनल एंगल दे दिया गया है, ये एक बहुत बड़ा जो है उर्दू के लिए नुकसान पैदा हुआ। अब आप देखिए कुछ दिन पहले की बात है, खैर वो इंशाल्लाह आपको भी हम मधु करेंगे, US एम्बेसी की तरफ से उर्दू सहाफ़ियों के लिए एक बड़ा प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अब उर्दू की जब बात की तो दीगर इलाकाई ज़बानों में प्रोग्राम कर रहे हैं वो एक प्रोटोकॉल के तहत, इंडिया US के तहत। जब हमारी उर्दू की बात आई तो कहा कि उर्दू तो करा रहे हैं उधर, बोला भाई उससे हमारे क्या लेना देना पड़ोस में। हाँ नहीं, हमारी ज़बान हमारी शेड्यूल लैंग्वेज है ये। तो उन्होंने नई कौंसिल आई भी है तो उन्होंने ऐलान किया बाकायदा मैं नेक्स्ट प्रोग्राम उर्दू के लिए होऊंगा। तो ये बताना है कि हमको बताना पड़ेगा उर्दू की विरासत जो है मुश्तरिका विरासत है, मुसलमानों की विरासत नहीं है। उर्दू सहाफत भी मुश्तरिका। अब आप देखिए उर्दू के बारे में खैर बहुत से नज़रियात हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो लश्करी ज़बान तुर्की और उससे हुई। अब आप देखिए आप दक्कन के हैं, कुली कुतुब शाह फारसी के हुक्मरान थे, पर्शियन थे लोग, कुली कुतुब शाही, दक्कनी ज़बान कैसे निकली, फिर दक्कनी का शहर कैसा निकला, ये कहाँ से मिली? तो ये द्रावड़ियन लैंग्वेज और पर्शियन का जो मेल मिलाप हुआ वो उर्दू की इब्तिदा, ये भी एक एंगल है इसका, इसको भी हम समझने की जरूरत है। आगे का जो सफर है यहाँ से, हम जब 200 बरस पूरे कर रहे हैं, जैसे मतलब मुश्तबा हुसैन साहब ने कहा भी था उर्दू का आखिरी खारी आ चुका है इस दुनिया में, आप आगे की सूरत हाल क्या देखते हैं? देखिए जिंदगी के हर शोबे में एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, उसके बाद जवाल होता है, फिर एक चीज़ होती है। मैं तो बहुत पुरुम्मीद हूँ उर्दू का सूरज फिर से तुलू होगा, जिस तरीके से हर दिन सूरज डूबता भी है फिर दूसरे दिन तुलू भी होता है, इस तरीके से ऐसा नहीं है। जब तक अब मैं कई आपके भी साथी होंगे, मेरे भी साथी होंगे जो इस वक्त बड़े ओहदों पर मुल्क के बाहर हैं, वो मुझे जो है बोलते हैं कि भाई अब हमारे को जो है हमारा कैरियर हो गया, सब कुछ हो गया, हम उर्दू की तरफ वापस हो रहे हैं। वो लोग उर्दू के बारे में बेसिक अपने बच्चों को बता रहे हैं कि उर्दू ये हमारी तहजीब है, बच्चे वहीं सेटल हैं, उर्दू ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और इतनी मकबूल हो रही हैं। और आप देखिए रिख्ता जैसा इदारा है, रिख्ता फाउंडेशन है, किसके हाथ में है वो? संजय सर नहीं बता रहा हूँ मैं, कैसे काम कर रहे हैं वो लोग। तो देखिए जब तक देखिए तहजीब जबान और उसके मानने वाले रहेंगे कोई ख़त्म नहीं होने वाली। और सहाफत ठीक है आज जवाल का शिकार है, लेकिन हर जवाल के बाद एक उरूज ज़रूर होता है। और मैं इस बात से, वो बड़े आदमी थे, पद्मश्री भी थे, वो उनका अपना सोच है, लेकिन मेरी सोच ये है कि उर्दू परवान ज़रूर चढ़ेगी, एक नई सुबह ज़रूर होगी। उर्दू परवान ज़रूर चढ़ेगी और इसकी एक नई सुबह होगी। जनाब माजी साहब आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे स्टूडियो में बात करने के लिए वक्त निकाला है। हम चाहते हैं आपसे मज़ीद एक और मौजू पर भी बात करें। नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करने की इजाज़त दीजिएगा, अगले मरतबा उर्दू नामे के प्रोग्राम में हम आपसे दोबारा एक नए मौजू पर बात करेंगे। बेहद शुक्रिया।